प्रावधान होना चाहिए, 70 साल की आयु के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, तो अब के इस बजट में हमने ये प्रावधान 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। कांग्रेस की सरकार जो हमसे पूछते हैं, कांग्रेस के नेता हमसे पूछते हैं, और जिक्र किया मैंने कहा आप हमेशा, मैंने कहा बाप सुनिए हम आपको बताते हैं कि कुछ हुआ है। फिर हमने जिक्र किया, हमने पेंशन का जिक्र किया, तुम तो पेंशन 80 साल के बाद देने की बात कहते थे, हमने 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। तुम बुजुर्गों को कहते थे कि अभी उम्र नहीं हुई तुम्हारी, क्योंकि कांग्रेस के लोग इस मामले में बहुत चतुर हैं, चला पेंशन का वो दे रही 80 साल के बाद। लोगों के इलाज के लिए हमने प्रयत्न किया, हमने यही आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी, आपके लोकप्रिय विधायक, ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, हम दोनों बैठे, हमने कहा, मैंने कहा विपिन भाई कुछ सोचो, हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए कुछ करना है, हम चाहते हैं कि उनकी मदद हो। अधिकारी कहने लगे कि रास्ता दिया, जब से ये योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी के इलाज के लिए, हमने कहा और करना चाहिए, आगे बढ़कर तो कुछ और सोचना चाहिए, हमने कहा सहारा योजना शुरू करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते, सहारा योजना की शुरुआत की, और सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे आदमी को हम हर महीने का 3,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, अभी तक हम 100 करोड़ के करीब उस पर खर्च कर चुके। आगे बढ़कर के हमारी बात, अगर काम की बात कहते हैं, वो पूछते हैं हमसे कांग्रेस के नेता कि क्या किया जयराम ठाकुर ने, हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए, और अब के इस बजट में हमने ये भी प्रावधान किया गैस के चूल्हे पहुंचाने के बाद गैस का सिलेंडर भी देंगे, सिलेंडर देंगे या आपके खाते में हम पैसा डाल करके आपको मदद करेंगे, ताकि आपको मदद ज्यादा हो सके, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम बेहतर कर सके काम। इस तरह के प्रयत्न, और अब के इस बजट में हमने गरीब आदमी के लिए जो मदद करने का रास्ते निकाले, उसमें मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपए हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं बढ़ी थी एक साथ, और 50 रुपए बढ़ने का भी प्रयास है, एक महीने का उस मजदूर को 1,500 रुपए का लाभ हुआ, 4,500 रुपए का लाभ हमने एक मजदूर को अपनी सरकार के दौरान एक महीने का दिया है, 4,500 रुपए बढ़े उसके। आंगनबाड़ी वर्कर को हमने सबसे बड़ी इंक्रीज दी, 1,700 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने आपकी बार बढ़ाए। आशा वर्कर जिन्होंने बहुत संकट में मदद की, बहुत सहारा दिया, और ऐसे कोविड के दौर में उनके लिए 1,825 रुपए हमने एक साथ हिमाचल प्रदेश में उनकी मदद करने के लिए बढ़ाए। चौकीदार, चाहे वो पंचायत का चौकीदार है, 900 रुपए उसके बढ़ाए, नंबरदार है उसके भी 900 रुपए महीने के बढ़ाए, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर है, आंगनबाड़ी सहायिका है, उनके भी 900 रुपए बढ़ाए, और इसी तरह से एक नहीं जितने भी वर्ग है हमारे, जो छोटे छोटे वर्ग है जिनको ज्यादा मदद करने की जरूरत है, उनको मदद करने की हमने कोशिश की। लेकिन भाई और बहनों, में इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो ऐसे संकट के क्षण में जो कर सकते थे, हम जितना कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश के विकास में रहता है, और स्वाभाविक रूप से उनके बिना जो योजनाएं हमारी सरकार की बनती है, उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए तब तक के लिए संभव नहीं हो पाता जब तक हम उस पर हम काम नहीं करें। जो भी पंजाब पे कमीशन की रिकमेंडेशन थे, उसके अनुरूप जो किया जा सकता था हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए, हमने एक एक चीज को जो है उनके पूछने के पश्चात जो है उनके लिए बेहतरीन क्या किया जा सकता है वो करने की हमने कोशिश की। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ बहुत भी बेहतर करने की गुंजाइश होगी, अगर कोविड का ये दौर नहीं होता तो हो सकता है कि हम, हो सकता था कि हम और भी ज्यादा मदद करते,
पिछड़े भाई और बहनों हर वर्ग की मदद करने की कोशिश की। और अब के इस बजट में एक और चीज हमने साथ साथ जो है हमने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य कहा जाता है और ऊर्जा राज्य के नाते सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, हम उस बिजली को दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं और उस बिजली से हम अपने प्रदेश की आय भी बढ़ाते हैं। लेकिन बिजली राज्य होने का हमारे गरीब भाई और बहनों को उनको क्या लाभ? हम भाषण में कहते रहे वो संभव नहीं। और इसलिए हमने अब के बारे तय किया, अगर ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल की एक पहचान है तो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए कुछ मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमने तय किया और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जिनको 60 यूनिट तक बिजली खर्च करनी है उनको जीरो बिल आएगा। कितना बिल आएगा? कितना सुनाई नहीं दिया? जीरो बिल आएगा। आमतौर पर 55 रुपए हर महीने का बिजल आता था, लट्ठू जले चाहे ना चले, मीटर चाहे घूमे चाहे ना घूमे, कनेक्शन कटा हुआ है तो भी, क्योंकि 15 रुपए मीटर चार्जेस लगते थे, 40 रुपए सर्विस चार्जेस लगते थे और ये दोनों को मिलाकर के 55 रुपए आपको देना ही पड़ता था, चाहे बिजली खर्च चाहे एक यूनिट बिना हो तो भी देना पड़ता था। हमने कहा भी करा था, मीटर लग गया एक बार की उससे जो पैसा लेना था वो ले लिया और उसके बाद हर महीने इसका हम पैसा लेना लेते रहे, फिक्स चार्जेस लेते रहे, सर्विस चार्जेस लेते रहे, ये उचित नहीं है। हमने कहा मीटर का 15 रुपए किराया भी उन लोगों के लिए माफ और 40 रुपए सर्विस चार्जेस के भी माफ कर दिए और 60 यूनिट तक सिर्फ बिल जो है जीरो। और 60 यूनिट तक बिजली हमने मुफ्त की, करंट हमारे विरोधियों को लगा अरे ये कैसे हो गया? हमने कहा ये ऐसे हो गया जैसे हमने बोला है, इसे घाटा पड़ेगा बोलते। हमने कहा घाटा पड़ेगा, उस घाटे की व्यवस्था कोई और जगह से हम कर लेंगे। और 60 यूनिट तक ही मुफ्त नहीं किया हमने, 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट तक हमने जो 1 रुपए 55 पैसे यूनिट लगता था, किराया लगता था, 55 पैसे उसके भी माफ किए और उसमें भी सिर्फ 1 रुपए लेंगे, ये हमने तय किया। और इससे आगे बढ़कर के हमने और भी चीजों को लेकर के विचार, हमारी बेटियां जब शादी के लिए, गरीब परिवार की बेटियां शादी के बाद दूसरे घर पे जाती हैं, वो उस बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हमने कहा जिस दिन भी गरीब बेटी की शादी होगी हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शगुन के रूप में 31,000 उस बेटी के खाते में हम 4 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही, बेटी बेटी कहते रहे लेकिन बेटी के लिए क्या करना चाहिए ये कभी सोचा नहीं। इसलिए बहुत अंतर है इन सारी चीजों को लेकर के, आने वाले समय में और भी चीजों को लेकर के हम काम करेंगे। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, मैं उन सारी बातों में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि सुलह में यहां गर्मी का मौसम और गर्मी के मौसम के बाद ऊपर से ये बहुत खूबसूरत पंडाल बना के रखा है विपिन भाई जी ने और यहाँ पूरा रंगीन एक पूरा एक नजारा बना हुआ है इसका, लेकिन हवा जो है उसके कारण रुक गई है। इसलिए मैं कह रहा था, मैंने कहा अपने कार्यक्रम ऐसी जगह रखा जहां पर हवा ना आ रही है ना जा रही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में उसके बावजूद भी पहुंचे हैं कि आपने इस बात की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की कि वो यहाँ क्या ऐसी गर्मी होगी और उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ तो यहाँ हमारा जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आपके विधानसभा के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, लगभग 275 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं चली हुई हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। अगर उनकी डिटेल बताऊं तो बहुत वक्त लगेगा,
तो मैं उन सारी चीजों को छोड़ देता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा जिसको मैं कह सकता हूं इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देने की दृष्टि से आप सब लोगों को यहां पर जो है वो भाई विपिन सिंह परमार जी का सानिध्य मिला है, सहयोग मिला है, इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं और विपिन सिंह परमार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य रूप से विकास की चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो हुई है, लेकिन फिर भी इस बात से मैं सहमत हूँ कि विकास कभी संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, खत्म नहीं होता है, इसलिए वो प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। और उसमें मैं सिर्फ आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ करके काम करें और काम करते हुए और जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं उसमें से दो तीन चीजों का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। यहाँ मैं एक चीज को और भी देख रहा था कि जहाँ पिछले कार्यकाल की तुलना में इस विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास को अगर हम एक नजर मारे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत पीछे छूट गए, पिछली बातें बहुत पीछे छूट गई, पिछला वक्त बहुत पीछे छूट गया। इस विधानसभा क्षेत्र ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, हर क्षेत्र, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पुलों की बात है, चाहे वो स्कूलों की बात है, चाहे वो संस्थान खोलने की बात है, संस्थान चलाने की बात है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा विकास यहाँ पर तो है पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बोल रहे हैं कि कुछ और करना बाकी है। मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं, दो चार चीजें जो महत्वपूर्ण लगती है मुझे यहाँ पर, जिनका जिक्र जिन्होंने किया, वैसे कहा तो उन्होंने कि हमने सिर्फ आभार करने के लिए आपको बताया। आभार का मतलब आभार, मैं तब तो मुझे लगता है कि मुझे धन्यवाद करना चाहिए आप सबका, धन्यवाद करके पूरी करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भी कहीं है जिस भी क्षेत्र में जाना होता है तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की कुछ बातें रह जाती हैं, उनका समाधान करना लाजमी है, चुने हुए प्रतिनिधि का दायित्व तो यही है। बहुत कुछ किया लेकिन कुछ रह गया, ऐसा जिक्र करना जरूरी है। और मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात उन्होंने कही है कि शहीद अशोक कुमार के नाम पर जो लाहड़ ठाकरा नामक स्थान पर जो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की उन्होंने बात कही है, और इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को खोलने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसी शहीद ने अपनी जीवन की कुर्बानी देश के लिए दी है तो ये बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि है उस शहीद अशोक कुमार जी के लिए, और उनके परिवार को भी मैं हौसला देता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके इस योगदान को मैं स्मरण करता हूँ। और एक बात और कही, यहाँ पर आईटीआई गढ़जमूला है और इसमें कुछ ट्रेड का जिक्र किया है, हमने चार पांच ट्रेड का भी जिक्र किया, और मैं यही कहना चाहूंगा कि गढ़जमूला के जो हमारी आईटीआई है, मैं इसकी तफसील नहीं ले पाया, डिटेल नहीं ले पाया हूं फिलहाल, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने कहा कि इसको मॉडल आईटीआई घोषित किया जाए ताकि ये हमारे क्षेत्र में गढ़जमूला की आईटीआई को मॉडल आईटीआई घोषित करता हूं, और उसके साथ साथ में जो ट्रेड की जो बात कही है उन ट्रेड को भी खोलने की बात यहां पर सिलसिले बात करेंगे, उसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे और उसके मुताबिक वो करेंगे। एक और बात उन्होंने आगे बढ़ करके कही है
बहुत जोरदार सुनकर के भी लगा कि स्वर्गीय सूबेदार ज्ञानदाराम चौधरी, उन्होंने एक सड़क का निर्माण किया अछरू रौ चंबी चिड़न लाहट हाकरा रोड, और मुझे बताया गया कि इस सड़क को उन्होंने अपने प्रयत्नों से अपने प्रयास से गांव तक पहुंचाया और कई किलोमीटर सड़क बनाई। कितने किलोमीटर क्यों कुमार जी, कितने किलोमीटर सड़क बनाई? 18 किलोमीटर सड़क बना करके तैयार की। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा सूबेदार साहब का, और इस सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाए ये उन्होंने आग्रह किया है, और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और उसके साथ साथ में इस सड़क के लिए बताया गया कि भी कुछ पैसे भी जरूरत है थोड़ी सी, तो मैं 10 लाख रुपए इस सड़क के लिए देने की भी घोषणा करता हूँ। इस सड़क का नाम भी सूबेदार स्वर्गीय सूबेदार ज्ञानदाराम चौधरी के नाम पर। और उससे आगे बढ़कर के उन्होंने 2 पुलिस पोस्टों का जिक्र किया है, धीरा और थुर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों पुलिस चौकियां अस्थाई हैं अभी। तो मैं इन दोनों पुलिस चौकियों को, मैंने इसमें हालांकि डिटेल्स इसमें ली नहीं, लेकिन बताया गया कि ये जरूरी है, तो उनको अस्थाई से स्थाई बढ़ाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ पर एक सिस्टम परमानेंट बन जाए। उस किसी से इसकी भी जो जरूरत है उसको भी पूरा करें। आगे बढ़ करके एक जगह उन्होंने कहा कि गांव सांबा में कहा कि एक हेल्थ सब सेंटर, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने उनको कहा कि भाई आप गप मत मारो, आपके यहाँ पर कुछ करने की गुंजाइश रही नहीं है, सब कुछ कर दिया हुआ आपने। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जहाँ PHC खोलनी थी, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोलना था, सब कुछ चीजें आपने की हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कहा कि सांबा एक ऐसा गांव है जो थोड़ा दूर है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, तो सांबा में एक स्वास्थ्य सब सेंटर खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है उससे सारा ठीक हो जाएगा। एक और बात उन्होंने कही है, एक मैंजा डाम स्थान पर नेचर पार्क के लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आदेश कर रहा हूँ कि वो सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से वहां पर बनाया जा सकता है, पूरी प्रपोजल बना करके तैयार करें, और वो कन्विंसिंग लगनी चाहिए, ठीक लगनी चाहिए, सुंदर बननी चाहिए, उसको आप बना करके लाएं, और उसके बाद जो है मैंजा नामक स्थान पर जो है एक नेचर पार्क करने की भी हम स्वीकृति देंगे, लेकिन पहले इसकी रिपोर्ट बना करके, इसका पूरा प्रोजेक्ट बना करके आप लाएंगे, मेरा आप सबसे निवेदन बना दिया, तब कर लेंगे। तब कभी ने कहा कि उन्होंने कहा कि कर ही दिया है, भेज दिया है, तो उसको कर देंगे। और उसके बाद एक राज के विश्व माध्यमिक पाठशाला के लिए कहा है, द्रंग और डाटी, हाँ, इन 3 जगह साइंस डॉक्टर प्राप्त। और उसी तरह से एक और चीज को लेकर के जहां कहा गया कि भाई नशा निवारण, मैं समझता हूं कि नशा आज की तारीख में बहुत चिंता का विषय बना हुआ हम सब लोगों के लिए, और ऐसी सूरत में नशा निवारण केंद्र हम अलग अलग स्थानों पर खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसी दृष्टि से यहाँ सूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर नशा निवारण केंद्र खोलने के लिए हमने एक स्थान जो है वो तय किया है, और उसकी औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई हैं, और वहां पर इसको खोलेंगे, और ताकि वहां पर हम ऐसे इस नशे के इस संकट में जो उन लोगों को जो है मदद कर सके, उनको गाइड कर सके जो इसके चंगुल में आए। एक और आगे बढ़कर के मैंने बात कही है कि प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोल दिए, अब हमने तो कहा था कम खोलिए, बोलते 100 से ज्यादा हो गए, 120 के करीब हो गए। तो यहाँ कहा गया है कि सुला विधानसभा क्षेत्र में एक कंप्लीट जस्टिफिकेशन ऑफ ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस की बनती है,
और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, एक बीपी ऑफिस को हैसपुरा विधानसभा क्षेत्र में खोल दिया जाएगा ताकि यहाँ उन लोगों को सुविधा मिल सके। और एक राजकीय डिग्री कॉलेज थोरल में साइंस की क्लासेज का जिक्र किया, तो साइंस की क्लासेज आपके यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में जो है थोरल डिग्री कॉलेज में हम शुरू करेंगे ताकि बच्चों को साइंस की क्लासेज की सुविधा वहां पर मिल सके, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। एक और बात उन्होंने कही है कि राज्य के डिग्री कॉलेज नौरा का नाम जो है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाए। अगर नामकरण पहले नहीं किया है तो मुझे लगा ये प्रस्ताव बहुत अच्छा प्रस्ताव इनकी ओर से भाई विपिन परमार जी की ओर से हमारे समक्ष आया है और इस डिग्री कॉलेज नौरा का नाम जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम रखने की घोषणा करते हैं ताकि यहाँ पर जो है पर एक बात और मैं अपनी बात कहूंगा और वो बात ये है कि यहाँ बताया गया कि ये विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से तो नहीं शायद, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अब हिमाचल प्रदेश का पहला सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया, सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। और पहले सुला बहुत छोटा होता था, अब का सुला बहुत बड़ा हो गया है और यहाँ पॉपुलेशन वोट भी सबसे ज्यादा हुआ है। और इस दृष्टि से इनका कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन के लिए हमको दो डिवीजन में जाना पड़ता है और दो डिवीजन के बजाय अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवी मरुहू मुंडी नामक यही और ये स्थान जहां हम ये सभा कर रहे हैं यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन खोला जाए, तो मैं आपकी इस मांग को स्वीकार करता हूं और स्वीकार करने के साथ जो है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन खोलने की घोषणा करता हूं ताकि आपके विधानसभा क्षेत्र की सारी बिजली की आपूर्ति का मॉनिटरिंग जो है वो एक जगह से हो सके, एक इससे हो सके। उस दृष्टि से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक बात उन्होंने और कही है, वो कही है बैर घट्टा ढूक सड़क पर जो है निगुल खड्ड में जो है पुल के निर्माण का जिक्र किया उन्होंने, और ये पुल का निर्माण कई दिनों से ये लड़ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कहा कुछ पैसे का प्रावधान करना पड़ेगा। और मैं उसके लिए कितना पैसा चाहिए और कितना पैसे की जरूरत रहेगी, उन्होंने कहा कि 32-33 करोड़ रुपए लगे, 34 करोड़ लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा है। क्यों बहुत ज्यादा पैसा है? आपका दिल भी बड़ा तो, लेकिन उसके इस पुल का निर्माण कार्य के लिए जो भी औपचारिकताओं की दृष्टि से जो भी करने की जरूरत होगी उसको भी करेंगे ताकि ये पुल बन करके तैयार हो, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इनका कहना है कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा, मुझे मालूम नहीं टेक्निकली 10 करोड़ होगा ज्यादा होगा कम होगा, लेकिन इसके लिए उसके बावजूद भी इसके लिए इसका इंतजाम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले तक हम भी आपके साथ हैं, हम भी पूरी तरह से साथ हैं। कुछ दिन पहले तक कुछ लोग बड़े उछल उछल के कह रहे थे हम आ रहे हैं, हमने कहा कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और हमें कहते थे कि तुमको जाने वाले, मैंने कहा तुम्हारे कहने पर तुझ नहीं जाने वाले। और अभी देखिए हमने कहा इंतजार कर लिए, 5 प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, परिणाम नहीं निकला और जिस दिन परिणाम निकला विधानसभा अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर बैठे थे, अपनी कुर्सी पर बैठे थे, मैं विधानसभा के अंदर प्रवेश किया तो सामने हमारे मित्र जमीन की तरफ देख रहे थे, हमने उनको नमस्कार की भाई, मैंने कहा नमस्कार तो सुन लीजिए, तो कोई ऐसे देखे कोई वैसे देखे, हमने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा ऐसा होता रहता है। और मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ वो वक्त वो था जब पंजाब को ये मानते थे कि चनी आ रहे हैं, चनी दोनों जगह से चले गए बेचारे, दोनों जगह से हार गए, उनका परिणाम तब तक लिए लगभग आ चुका था। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का शोर डालने की कोशिश कर रहे थे कि रिवाज बना हुआ है,
हमने कहा क्या रिवाज बना हुआ है? बोले रिवाज बना हुआ 5 साल हमारे 5 साल आपके होते। मैंने कहा ये रिवाज कभी टूट भी सकता है। और अभी जिस तरह से पूरे देश भर में 5 राज्यों में चुनाव थे और वहां भी रिवाज था, सरकार के बाद फिर उसी पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, रिवाज टूट गया। यूपी में योगी जी आ गए, धामी जी उत्तराखंड में फिर मुख्यमंत्री बन गए, सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के बन गए और वीरेंद्र सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए। 4 प्रदेश जो भाजपा के पास थे, चारों भाजपा के हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका 1 प्रदेश पंजाब था और वो भी चला गया और बुरी तरह से गया। चन्नी साहब दोनों जगह से गए। सिद्धू साहब बहुत जोर से बोलते थे, बहुत जोर से ताली बजाने का जिक्र करते थे, ऐसी ताली बजी, ऐसी ताली बजी, तीसरे स्थान पर रहे वो। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, अब रिवाज बदल गया है तो हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलेगा, निश्चित रूप से बनेगा। नवंबर के महीने में जब चुनाव होगा, फिर भाजपा की सरकार होगी और सुलहा भाजपा भी फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाई विपिन सिंह परमार जी को बड़े बहुमत के साथ जिता करके विधानसभा में पहुंचाएंगे और जो है हम मिलकर के लिए 16 विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करेंगे। आपसे मेरा यही निवेदन है, कमी मत छोड़ना, कसर मत छोड़ना। अगर 12,000 वोटों से पिछली बार जीते हैं तो आपकी बार यह आंकड़ा 20 से पार जाना चाहिए, उसके लिए आप सब काम करें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।